महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना और एनसीपी के सामने बेबस है। शिवसेना बार बार कांग्रेस को आग दिखाती है, लेकिन कांग्रेस फिर भी गठबंधन से अलग होने का नाम नहीं ले रही है। शिवसेना कांग्रेस के अंदरूनी मामले में भी दखलअंदाजी शुरू कर दी है। हालांकि इस पर कई कांग्रेस के नेताओं ने आपत्ति जताई थी। कुछ दिन तक शांत रहने के बाद शिवसेना ने एक बार फिर यूपीए के अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार का नाम यूपीए के अध्यक्ष के लिए उछाल दिया है। राउत ने कहा कि नए गठबंधन का नेतृत्व शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता को करना चाहिए, क्योंकि कई क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के नेतृत्व में काम करने को राजी नहीं है। राउत ने ये भी जोड़ा कि नया गठबंधन बिना कांग्रेस की उदारता के संभव नहीं है। कांग्रेस पर करारा हमला बोलते हुए राउत ने कहा कि इस गठबंधन का भविष्य कांग्रेस के बलिदान और उदारता पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि देश में अब कोई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नहीं है, क्योंकि इसके सहयोगी अलग हो गए हैं। राउत ने कहा कि इसी प्रकार यूपीए का कोई अस्तित्व नहीं दिख रहा, क्योंकि इसमें बहुत कम पार्टियां रह गई हैं। शिवसेना नेता ने पवार की वकालत करते हुए कहा कि नए गठबंधन का नेतृत्व शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता को करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो भविष्य में और पार्टियां गठबंधन में शामिल हो सकती हैं, लेकिन कांग्रेस की सहमति के बिना ये संभव नहीं है। हालांकि शिवसेना की ऐसी बयानबाजी से कांग्रेस ने पहले ही नाराजगी जताई थी। बावजूद इसके राउत पवार को यूपीए के अध्यक्ष बनाने की बात कह रहे हैं। ऐसे में देखना होगा इस बार महागठबंधन में शामिल कांग्रेस का रुख शिवसेना के प्रति क्या रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।